हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दोस्तों हम बनाने वाले हैं बाइसिकल अलार्म या बाइसिकल हॉर्न। तो जो छोटे वाले हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उनके लिए आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो ये मैंने ले लिया है अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग का जो बॉक्स आता है वो, टू साइड वाला दोस्तों, मेरे पास में सिंगल साइड वाला नहीं था तो। और यह है बजर, बाइक में लगता है वाला। तो चलिए इसको इसको इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं दोस्तों टू साइड टेप की मदद से। तो इस वायर को यहाँ से निकाल के और इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। और ये इस तरह से फिक्स हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए अंदर। और ये हो गया दोस्तों। तो इसका ये जो केप है इसके ऊपर हम अभी होल बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले मार्किंग कर लेते हैं इस केप के ऊपर। तो ये मार्किंग हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसमें होल मैंने बना दिया है इस तरह, जिसको फिक्स करना है ताकि जो हमारा बजर है उसका आवाज़ बाहर की साइड में आसानी से आ सके दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसको नट से टाइट कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पे। और ये जो पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, मैं अभी इसको यहाँ से कट कर लूँगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये कट कर चुका हूँ मैं। और ये पूरा यहाँ से पूरी तरह से हट चुका है दोस्तों। और ये मेरे हाथ में पीवीसी पाइप, और इस पीवीसी पाइप के टुकड़ों को मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अभी फिक्स करते हैं उसको, लेकिन उसके पहले एक बार मैं बजा के देखता हूँ दोस्तों कि ये काम कर रहा है नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड्स। और ये है मेरे हाथ में पुश बटन। तो इस पुश बटन में से मैंने एक रिंग निकाल लिए दोस्तों, और इस रिंग से हम मार्किंग कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें यहाँ पे होल बनाना है दोस्तों, क्योंकि ये जो बटन है यहाँ पे बैठ जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये बैठ चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ चुका है दोस्तों ये। तो चलिए अभी वायरिंग कर लेते हैं यहाँ से। इस वायर को यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिट करना है। और रेड वाली वायर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स। कट करना इसलिए क्योंकि जो स्विच बटन है हमारे पास में, पुश बटन है, उसके अंदर हमें उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि जब हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा हॉर्न काम करने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे नट दिए हुए छोटे छोटे, तो उसको चलिए हम कस लेते हैं अच्छी तरीके से, और कनेक्शन पूरा हो जाएगा दोस्तों अभी। तो ये कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन, और इसको यहाँ पे हम बिठा लेते हैं दोस्तों। तो ये बैठ चुका है, 50% काम हमारा ख़त्म हो गया दोस्तों। और अब देखते हैं आगे। तो चलिए पहले लिथियम आयन बैटरी को हम शोल्डर आयन की मदद से यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। रेड मतलब प्लस है और ब्लैक मतलब माइनस। तो चलिए इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। तो ये कनेक्शन हो चुका है। इस लिथियम आयन बैटरी को दोस्तों हम इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। उसके लिए मैंने पाइप का टुकड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे दोस्तों। तो इस तरह से इसको हम, ये देखिए किस तरह से बज रहा है। तो यहाँ पे पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अच्छा दिखेगा नहीं और बैटरी भी गिरने के चांसेस रहेंगे। तो इसको फिट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो चुका है, और ये देखिए किस तरह से बज रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है। ये बाइसिकल का जो हैंडल होता है उसका दोस्तों, उसके वहाँ पे लगने वाला है, तो आपके हिसाब से लगा सकते हैं। साउंड तो काफ़ी अच्छा रहा है इसका। और इस तरह से इसको दबा के रखेंगे तो कंटिन्यू बजता रहेगा दोस्तों, और छोड़ेंगे तो बजना बंद हो जाएगा। तो ये क्लिप है दोस्तों, इस क्लिप की मदद से हम इसको हैंडल पे लगा सकते हैं इस तरह से। ये मान लीजिए जो पाइप है बीच वाला, ये हैंडल है बाइसिकल का, और इस तरह से इसको लगाना है दोस्तों, और इस तरह से हमारी बाइसिकल चलेगी। चैनल पे पहली बार आया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।